तुम देना साथ मेरा वो हमनवा। इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधे मुद्दे पे आता हूँ। आप जानते हैं बाजपाई जी कि आपके और मेरे तार पहले से ही कुछ ठीक नहीं जुड़े हैं, मतलब इसीलिए हम जब भी मिलते दोनों में से किसी एक का फ्यूज शॉर्ट हो जाता है, और इसमें गलती ना तो आपकी और ना ही मेरी है। गलती है नजरिए की जी। ओके, आप जिस जगह काम करते हैं ना, वहां पर कोई भी ईमानदार नहीं है। नहीं, अलाउ मी टू से दिस, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में आपके या आपके जैसे दफ्तरों में किसी भी ईमानदार इंसान को नहीं देखा है। मेरे लिए वो ईमानदार लोग खाली फिल्मों में होते थे, आप जैसे मुझे नहीं पता था रियल में भी होते हैं। आप ही बताइए बाजपाई जी, आपने अपने पूरे करियर में ऐसा पहले होते हुए नहीं देखा है कि लोग आपको रिश्वत देने की कोशिश करते हैं, आपसे काम निकलवाने की कोशिश करते हैं? ऑब्वियसली देखा होगा, मैं भी बस वही कर रहा था। क्या है वो सिस्टम जो है ना, उसने हम बिजनेसमैन को ट्रेन कर दिया है काम निकलवाने के लिए। मतलब हम नहीं चाहते हैं कि ओवर द टेबल हमारी फाइल दटक जाए, उससे बेहतर हमारे लिए है कि हम अंडर द टेबल आप लोगों से हाथ मिला लें। लेकिन इस बार मेरे जजमेंट में थोड़ी गलती हो गई आपको लेकर। मुझे बहुत लंबे अरसे तक ऐसा लगता रहा कि आप ईमानदारी का नाटक कर रहे हैं अपनी कीमत बढ़ाने के लिए, जो कि आमतौर पर होता है। और फिर मैंने आप पे धावा बोल दिया, गिफ्ट्स और ये वो जो भी आप जानते हैं, जो कुछ भी हुआ। लेकिन बाजपाई जी, आपको लेकर मेरा नजरिया तब बदला जब आपने एक रिपोर्ट बनाई और अनजाने में आपने मेरा फायदा करा दिया। एंड टू बी ऑनेस्ट, एक पॉइंट पे मैं आपसे इंप्रेस भी हो गया। जब उस फायदे के एवज में जब मैंने आपको कुछ देने की कोशिश की तो उसे आपने नकार दिया, तब मुझे आपके वैल्यूज की ट्रू वैल्यू पता चली। एंड उस दिन से आई हैव न्यू फाउंड जेन्युइन रिस्पेक्ट फॉर यू। आई मीन इट, ऐसे लोग मिलते नहीं। लेकिन आपका एटीट्यूड बाजपाई जी, मतलब कत्ल है। क्या है, मैं इस किस्म के इंसानों की मैं किसी की बात सुनता नहीं, और आप है कि आपने आके इतने लंबे लंबे प्रवचन लेक्चर्स दे दिए मुझे। बुरा लगा मुझे, ईगो हर्ट हुआ मेरा, आई वोंट लाई। लेकिन ठीक है, गलत तो था आपका एटीट्यूड। मैं मानता हूं कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, कभी कभी कठोर हो सकता हूं, लेकिन मैं हूं इंसान ही। देखो यार, मेरी मानो तो वो वैभव कपूर कुछ गलत नहीं बोल रहा। मेरा कहने का मतलब ये है मानव, कि उसका इरादा गलत नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। हो सकता है बिजनेस माइंड से कुछ सोचा हो, अक्कू के एक ऐड करने से हो सकता है उसके ब्रांड की वैल्यू बढ़ जाए, प्रॉफिट हो जाए, पब्लिसिटी हो जाए उसकी। यार उसे उसमें उसको प्रॉफिट दिख रहा है तो वो तो कहेगा ही ना, और वैसे भी तुम्हारा उसमें फायदा ही तो है, तो हर्ज किस बात का? पर मानव, तुम्हें अक्कू की नजरिए से भी तो देखना चाहिए, उसे अपना सपना पूरा करने का एक चांस मिल रहा है, अपने पैरों पे खड़े होने का एक मौका मिल रहा है। यार रिया, मैं भी चाहता हूँ कि अक्कू अपने सपने पूरा करे, सक्सेसफुल हो, नए नए मुकाम हासिल करे। लेकिन तुम लोग जानते हो यार, मैं उस वैभव कपूर के बारे में क्या सोचता हूँ। मेरी अंदर से आवाज आती है, मेरी गट फीलिंग ये है कि मुझे उस आदमी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आदमी किसी को कुछ नहीं समझता है। यार मानव, अगर ऐसी बात थी तो वो आगे सॉरी क्यों बोल? अब तू ही बता कि वो तेरे लिए ऐसा क्या करेगी, तू उसके लिए अपनी सोच बदले। यार सोच कोई कपड़े थोड़ी ना जो इंसान रोज बदल ले। ओके ओके ओके, उसकी बात एक बार के लिए भूल जाओ। तुम बस ये नहीं चाहते कि अक्कू उसके लिए मॉडलिंग करे, राइट? लेकिन मानव, तुम्हें ये बात भी तो समझनी होगी कि वो जैसा भी आदमी, उसे हमें क्या लेना देना। और नहीं तो क्या, अगर आकांक्षा वैभव कपूर का कोई एक ऐड करने के बाद उसको पहचान मिलती है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? आई मीन, उसको नेम फेम मिल जाएगा, और जब चाहे तब आकांक्षा मना कर सकती है वैभव को। नहीं, मैं तुम लोगों की बात समझता हूँ, लेकिन लेकिन किंतु परंतु में अटके रह जाओगे तुम मानव। तुम्हें फिलहाल सिर्फ अक्कू को सपोर्ट करना चाहिए, मान जाओ यार।
पर तो बैठ ही रहेगी, कुछ बोलेगी भी। मैं तो एक ही बात बोल बोल के थक चुकी हूँ। मैं मानव के खिलाफ जाके कुछ नहीं करना चाहती, पर मैं दिल से चाहती हूँ कि एक बार ये मेरे नजरिए से देखने की कोशिश कर। ऐसे ही प्यून नहीं बन गया हूँ, पढ़ना लिखना मुझे भी आता है। डॉक्टर साहब ने कहा था ये फाइल यहाँ रखने को, तो मैंने रख दी। खामोखा आप मुझ पर चिल्ला रहे हैं, ये पढ़े लिखे लोग सबको अनपढ़ समझते हैं क्या? ये राकेश बाबू जब देखो तब मुझसे ऐसी बात करते हैं जैसे कि मैं अनपढ़ गमार हूँ। अरे वो तो मैं अपने पिताजी की ने इज्जत करता था, इसलिए पढ़ाई नहीं की, वरना इन जैसे आदमी हमारे आगे पीछे फाइल लेकर घूम रहे होते। ये लीजिए फाइल। अरे पर नारायण जी, कौन इज्जत के लिए पढ़ाई नहीं करता है? वो क्या है ना वाजपेयी जी, मेरे गांव में एक ही कॉलेज थी, लेकिन उसके प्रिंसिपल से मेरे पिताजी की बिल्कुल नहीं बनती थी, हमेशा 3-5 होती रहती थी। एक दिन मेरे पिताजी को गुस्सा आ गया, तो उन्होंने कहा मेरा बेटा आपकी कॉलेज में नहीं पढ़ेगा। बस फिर क्या था, मैंने भी अपने पिताजी का कहा मान लिया। अब देखिए कैसे कैसे लोगों का कहा मान रहा हूँ, चलता हूँ। तबियत ठीक है, लेकिन बहुत सी चीज़ें जो दिमाग में चल रही हैं। रिग्रेट भी हो रहा है। रिग्रेट किस बात का? तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच में आने का। अक्कू, मैंने हमेशा तुम्हारी पसंद की चीज़ दिलाने में स्ट्रगल किया है। कहता तो रहता हूँ कि तुम्हें दुनिया की हर खुशी लाके दूंगा, लेकिन फिर मैं ही तुम्हारी खुशियों का दुश्मन बन जाता हूँ। आज जब जिंदगी ने खुद को सुधारने का मौका दिया है, तो मैं खुदकर्ष कैसे बना रह सकता हूँ? जानती हो, आज जब वो वैभव कपूर मेरे सामने बैठा था, तो मन तो किया उसे उसी वक्त घर से बाहर निकाल दूं, लेकिन फिर जिस तरीके से उसने मुझे बातें समझाई, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कितना खुदगर्ज था यार। अपने पसंद नापसंद के हिसाब से तुम्हारा फ्यूचर तय कर रहा था। हो सकता है कि आज मैं वैभव कपूर को उसके बर्ताव के लिए कोसूं, लेकिन अगर ये मौका तुम्हारे हाथ से चला गया ना अक्कू, तो मैं जिंदगी भर खुद को कोसता रहूंगा। मानव, तुम्हारा मतलब अगर मैं वैभव कपूर के लिए काम करूं तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं होगे? तुम्हारे पास कोई अच्छी ड्रेस है? तुम्हें मेरी ड्रेस पहननी है? तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।